डू यू लव मी मैंने प्रपोज़ किया इनको, तो फिर इन्होंने हाँ हाँ तो नहीं कहा, एक सप्ताह टहलाया पहले, उसके बाद फिर हाँ कहा, तो फिर मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं प्रपोज करूँगा तो हाँ ही बोलेगी, क्योंकि पहले से छत पे सब बात होता था, इशारों में तो सब पता ही था। पहले भी लड़कियाँ लाइफ में रही मेरी, मतलब इनसे पहले गर्लफ्रेंड थी क्या? जी अंजलि जी आपके सामने क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भी बॉयफ्रेंड थे। देखिए ये क्या मजाक चल रहा है भाई, वो जो लड़का होगा इनसे बॉडी से तो स्वस्थ होगा ना? हाँ। तो फिर वो उसको क्यों ब्रेकअप कर दिया? शरीर से स्वस्थ था, आपके घर वाले मान गए कि नहीं इस लड़के से शादी करना चाहिए कि नहीं? उसके पहले आप पटना में रह के क्या करते थे? कुछ नहीं, बस पापा का पैसा उड़ाते थे, बस घर से भाग गए और फिर हम लोग अपने गाँव के मंदिर में जाकर के शादी कर लिए। आप इनको लेकर भागी कि ये आपको लेकर भागे? अक्सर हम लोग जब स्कूल में पढ़ाई किया करते थे तो एक प्रेम कहानी सुना करते थे, हीर और रांझे की प्रेम कहानी, लैला और मजनू की प्रेम कहानी। लेकिन आज हम जो आपको प्रेम कहानी दिखाने जा रहे हैं वो प्रेम कहानी कहीं उससे अलग है, कहीं उससे डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बगल में जो दोनों कपल बैठे हुए हैं, ये कपल जो है कि बहुत ही डिफरेंट है, और डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे सामने जो बॉयज़ हैं यानी जो लड़के हैं ये पूरी तरीके से जो है कि हैंडीकैप है यानी दिव्यांग है, और जो लड़की है वो बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल शरीर से स्वस्थ है। अब ये प्यार मोहब्बत कैसे हुआ, कैसे एक दूसरे को दोनों लोग पसंद आ गए और फिर एक दूसरे से दोनों लोग शादी कर लिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक दूसरे से बेइंतहा ये लोग मोहब्बत करते हैं और शादी करके भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश हैं। इन कहानियों पर चर्चा करेंगे कि इनकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और इनकी प्रेम कहानी में आज तक कोई दिक्कत आई भी या नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलोक है। आपका मैडम? अंजलि। अंजलि जी, सबसे पहले अंजलि जी ये बताइए, आपको आलोक जी में ऐसा क्या दिख गया कि बहुत पसंद आ गया आपको? वैसे बहुत प्यार करते थे पहले भी और अभी तक चला ही आ रहा है वो, मतलब शुरू से ही, अब तक प्यार बढ़ते ही गया है, कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ। तो आलोक जी आप शुरू से ही हैंडीकैप हैं, ऐसे ही हैं? जी लगभग बचपन से। बचपन से ही है। तो बचपन से अगर आप ऐसे हैं तो आजकल का जो प्यारा वीडियो में देखेंगे चाहे सोशल मीडिया पे, तो आजकल क्या है कि लड़कियां पैसे के लिए या फिर खूबसूरत लड़का हो तभी जो है कि कांटेक्ट में आती है, वरना दूर दूर तक कोई भाव तक नहीं देती है। फिर आपको ये कैसे पसंद कर लिया, ऐसा क्या पसंद आ गया आप में, हमको नहीं समझ में आ रहा? जैसे देखिए हम लोगों का प्यार पनपना जिसको बोलते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगा, इस वजह से हम लोग का अभी तक रिलेशन इतना ज्यादा मजबूत है। कैसे शुरू हुआ थोड़ा उसको डिटेल में बताइए। जैसे हम और ये दोनों एक ही जगह पे रहते थे, दोनों अलग अलग रूम्स में, हाँ आमने सामने, ज़्यादा पड़ोसी रहते थे। तो वहाँ पे ये जब फर्स्ट बार आई थी तो ना हम इनको पसंद करते थे और ना ये हमको, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा था हम लोग में। अच्छा। पता नहीं क्यों, पता नहीं है ऐसा। तो ऐसा था कि ना ये हमको देखना चाहती हैं ना हम इनको देखना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, कभी थोड़ा बहुत बातचीत में ऐसे ही बात होते गए और धीरे धीरे बात बढ़ा, तो ऐसा लगा हमको कि जो हम ढूंढ रहे थे बचपन से अपना जो प्यार जिसको बोलते सच्चा लाइफ पार्टनर वो इसमें दिखी मुझे। तो मैंने इनसे पूछा कि डू यू लव मी मैंने प्रपोज किया इनको, तो फिर इन्होंने हाँ हाँ तो नहीं कहा, एक सप्ताह टहलाया पहले, उसके बाद फिर हाँ कहा, तो फिर हम लोग का जो है सो अभी देख ही रहे हैं। तो आपको नहीं लगा कि कहीं हम इनको प्रपोज करेंगे फिर उधर से कहीं कुछ उल्टा सीधा आ गया कि नहीं ये है वो है? तो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं प्रपोज करूंगा तो हाँ ही बोलेगी, क्योंकि पहले से छत पे सब बात होता था, इशारों में तो सब पता ही था। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब जैसे पहले भी लड़कियां लाइफ में रही मेरी, तो ऐसा बात नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था ऐसा कि लड़की लोग मुझे नकार देगी या ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं। मतलब इनसे पहले गर्लफ्रेंड थी क्या? जी ये भगवान क्या कहे। अंजलि जी आपके सामने क्या कह रहे हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भी बॉयफ्रेंड थे। देखिए ये क्या मजाक चल रहा है भाई, एक दूसरे के सामने दोनों लोग अपना जो है कि इतिहास खोल रहे हैं। नहीं वो जो था वो हाँ। पास्ट था हम लोगों का, हर किसी का पास्ट होता है। हाँ। तो ये दोनों जो प्राइवेट बातें एक दूसरे को बता चुके हैं? जी बिल्कुल, हम लोग शादी से पहले सारा बात क्लियर कर चुके थे। तो आप अपना ब्रेकअप करके तब इनसे कॉन्टेक्ट में थी और आप भी ब्रेकअप करके? जी बिल्कुल। आप भी? हाँ हाँ। तो ये वो जो लड़का होगा इनसे बॉडी से तो स्वस्थ होगा ना? हाँ। तो फिर वो उसको क्यों ब्रेकअप कर दिया, और इनमें ऐसा क्या दिख गया आपको? वाइब मैच करना होता है ना एक, वो क्या मतलब वो उस टाइम तो ये अभी तक समझ भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पता नहीं अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ, मतलब आपको अच्छा लगा? हाँ। अच्छा, आपको उस समय ये जॉब नहीं करते थे, ये जॉबलेस थे, कोई काम नहीं था, ऐसे पटना में रहते थे, तो आपको नहीं लगा कि हमारा खर्चा कैसे उठाएंगे अगर साथ में हम लोग रहते भी हैं तो कैसे मैनेज करेंगे, आपको इसका डर नहीं था?
नहीं, खर्चा सिर्फ मेरा नहीं ना, इनका भी है, तो हम दोनों मिल के ही किस तरह से कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, इतना तो था। लेकिन आजकल की लड़कियां तो ये नहीं सोचती, आजकल की लड़कियों को क्या चाहिए, हैंडसम लड़का होना चाहिए, पॉकेट में पैसा होना चाहिए। हाँ ऐसा तो है, इस बात को हम मानती हैं। हाँ बहुत। अच्छा अभी आप क्या करते हैं? अभी फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये शादी के बाद आपका जॉब लगा? जी शादी के 3 साल बाद लगा जॉब। शादी के 3 साल, तो उस समय कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। या फाइनेंशियल सही हो जाएगा? हाँ 3 साल तक जब तक नहीं जॉब था तब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था साथ में ही, तो उस समय कहीं ऐसा नहीं लगा कि नहीं अब ब्रेकअप करके साइड हो जाना चाहिए? नहीं शादी कर हो चुका था हम लोग। हो चुका था। हाँ। तो कितने दिनों तक शादी से पहले आप लोग बात किए थे? 6-7 महीने। 6-7 महीने। हाँ। उसके बाद से शादी कर ली? हाँ। अच्छा आप शरीर से स्वस्थ थे, आपके घर वाले मान गए कि नहीं इस लड़के से शादी करना चाहिए कि नहीं? नहीं शुरू शुरू में तो कोई नहीं माना था। तो घर से बिना बताए शादी की आपने? हाँ नहीं घर पे बता दिए थे कि हम लोग शादी कर रहे हैं, है ना। तो घर वाले क्या बोले? कि नहीं तुम मत करो, घर वापस आ जाओ। अच्छा। तो फिर धीरे 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 करके, मतलब 10 साल का टाइम है तो लंबा समय है, तो धीरे धीरे करके अब तो बहुत ज्यादा क्या, मतलब मेरे से ज्यादा पापा मम्मी लोग इनको मानते हैं। मतलब एक मूवी वाला आप लोग जो है कि यहाँ पे सीन क्रिएट कर दिया? नहीं हाँ मूवी बन सकती है, स्टोरी बन सकती है। ये वाकई में ये जो प्रेम कहानी है एक मूवी से भी अलग है, क्योंकि मूवी में जो दिखाया जाता है वो जो है कि आर्टिफिशियल होता है, यानी बना करके दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसे प्रेमी जोड़ों पे मूवी बनना भी चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्रेम कहानी है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग है। अच्छा ये बताइए आप बेसिकली कहाँ करें, पटना के बाहर किया? नहीं पटना के ही, पापा पटना के ही है प्रॉपर। अच्छा आप अपना खुद का जॉब है या फिर किसी का जॉब आपको मिला है? मेरे पिताजी इसी डिपार्टमेंट में थे, तो उनका सेवा काल में डेथ हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उनका अनुकंपा वाला जॉब मुझे मिला है। तो उसके पहले आप पटना में रह के क्या करते थे? कुछ नहीं बस पापा का पैसा उड़ाते थे बस। तो आपको नहीं लगा कि अब ये अकेले उड़ा रहे हैं, बाद में जो कि अंजलि आ जाएंगी तो खर्चा बढ़ जाएगा? देखिए बात क्या हुआ था कि जैसे हम लोग एग्रीमेंट हुआ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जैसे देखिए हम लोग जब बात करते थे तो जब हम लोग का कन्फर्म हो गया, जैसे मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है आगे जा करके, ये इनको मैंने अच्छे से बता दिया कि देखो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनेंशियली तो बिल्कुल होगा, अगर हम लोग अगर घर से भाग करके शादी करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, वो तो जानते ही होंगे। तो सारा प्रॉब्लम इनको मैंने बताया कि मेरे साथ लाइफ बिताने में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं शादी करनी है तो आप ही से। और उस टाइम क्या हुआ था कि इनके मम्मी पापा इनके लिए लड़का देख रहे थे। अच्छा। तो हम लोग उतना जल्दी करने वाले नहीं थे शादी, लेकिन देखे कि शायद अगर देखने लग गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर हम लोग प्लान बनाए और हम लोग घर से भाग गए और फिर हम लोग अपने गांव के मंदिर में जाकर के शादी कर लिए और फिर 6 महीने तक उधर ही रहे। तो अंजलि आप इनको लेकर भागी कि ये आपको लेकर भागे? हम दोनों एक दूसरे को लेकर भाग गए। ये सही है, मतलब कोई किसी को भगाया नहीं, दोनों के मंदिर। हाँ दोनों मंदिर में शादी आप लोगों ने कर ली। हाँ और उसी शादी से आप लोग खुश हैं अभी? हाँ बहुत। कोई बाल बच्चा आपका? हाँ मेरा एक बेटा है। बेटा है? हाँ। थोड़ा कैमरा मूव करिए, बेटे को दिखाइए। बेटा जो है कि कितना स्वस्थ है और कितना जो है कि अच्छा है ये देख करके मुझे काफी ज्यादा। पढ़ाई लिखाई करते हैं कुछ? हाँ 2 क्लास में है। 2? हाँ माउंट लीट्रा में। अच्छा ये बताइए जॉब पे चले जाते हैं, वो अपना स्कूल चले जाते हैं, फिर अकेले मन लगता है घर में? हाँ मेरा पढ़ाई है तो वो स्टडी कर रही है। हाँ तो शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं फिर स्टडी बंद हो जाता है अक्सर बिहार में देखा जाता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सपोर्टिव है सब लोग मतलब सब लोग मतलब हस्बैंड। हाँ तो पढ़ाई लिखाई या ऐसा कुछ कि यहाँ मतलब कुछ भी करने वरने के लेके हमको कभी वो नहीं हुआ कि हाँ मतलब कुछ ये पढ़ाई नहीं करना है या घर में ही रहना है या ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कभी नहीं। अच्छा एक चीज पर्सनली जानना, हालांकि पूछने का विचार नहीं था लेकिन जानना जरूर, आप लोग हिंदू धर्म से आते हैं? बिल्कुल हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से? तो हिंदू धर्म में जो है कि कहा जाता है कि सिंदूर लगाया जाता है, आपने सिंदूर नहीं लगाया? अभी जस्ट दिवाली सफाई हुआ है, जस्ट नहा के बाल धो के आए। अच्छा, ट्रेडिशनल चल रहा है आजकल, जमाना भी ट्रेडिशनल हो गया है ना। सिंदूर लगाते हैं जैसे मतलब छठ पूजा करते हैं त्योहार। हाँ तो अच्छा सब में तो जितना पर्व त्योहार जितना है उस समय मतलब लगाते हैं। और शहर में रहती है तो शहर के माहौल में थोड़ा रहना पड़ता है? नहीं सर नहीं नहीं ये रेगुलर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन अभी जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने अभी बाल धोया है सफाई करके बहुत ज्यादा मतलब हड़बड़ी था कि मतलब क्या। अच्छा ये बताइए आप लोग शादी कितना साल हो गया आपको अभी 2023 तक? इस नवंबर में 10 साल हो जाएगा। 10 साल हो जाएगा और 10 सालों में कितना बार लड़ाई हुआ अंजलि आप बताइए? बहुत बार। तो कितना बार हुआ कि नहीं हम छोड़ देंगे हम हुआ है हम लोग में। तो कितना बार हुआ कि हम छोड़ देंगे हम नहीं रहेंगे? ये ऐसा कुछ नहीं कभी हुआ। लड़ाई होता है तो क्या होता है?
बस ऐसे ही गुस्सा गुस्सी, तुम बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, 10 मिनट तक होता है फिर इसी फ्लैट में इसी घर में सिर्फ हम उनको गुस्सा, ये कभी नहीं गुस्साते मेरे पे, तो ये तो गुस्सा होकर जॉब चले जाते होंगे। और आप क्या करती हैं? नहीं, ये मेरे पे कभी नहीं गुस्साते, मेरा ही गुस्सा गुस्सा ही रहता है हमेशा। Okay, डरते हैं, मेरा ही गलती रहता है हर बात में। नहीं, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस रिस्पेक्ट है हम दोनों का एक दूसरे के लिए, डर वाला बात नहीं है। अच्छा, ये आपके हैंडीकैप की क्या कहानी है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये जैसे बचपन में जब मैं 1 साल का था तो उस टाइम पोलियो की वैक्सीन लगती थी, तो वो वैक्सीन ही मुझे रिएक्शन हो गया था, जिसके वजह से मेरा पैर में और पूरा शरीर में पोलियो हो गया था। लेकिन वैक्सीन लगा था लेकिन रिएक्शन, हाँ वही रिएक्शन हो गया था। उस टाइम ऐसा था कि मेरा गर्दन भी नहीं उठता था, ऐसा था। तो फिर दवा वगैरह हुआ, फिर उसके बाद फिर जा करके थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन जब अपने आप, जब मतलब मेरा खुद का माइंड जब थोड़ा डेवलप हुआ कि अपने आप को कुछ हम बेहतर बना सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके बॉडी जिम वगैरह किए तो आगे का ऊपर का ठीक हो गया सारा। अब नीचे का भी थोड़ा बेटर हो रहा है, पहले से सही है बिल्कुल। तो डॉक्टर से आप लोगों ने उस समय सलाह नहीं लिया था बचपन में? उस टाइम बहुत ज़्यादा मम्मी पापा ने मेरा बहुत ज़्यादा दिखवाया सभी डॉक्टर्स को, अलग अलग जहाँ जहाँ जिन्होंने बोला। मेरा सारा पालन पोषण बचपन से दादी की हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, अभी 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 आप मुझे बैठा हुआ देख रहे हैं तो सिर्फ उनके वजह से, दादी की वजह से जी। तो अभी दादी हैं? नहीं, वो नहीं है। तो आप बेसिकली कहाँ के रहने, पटना के बाहर? मेरा जन्म तो वैसे पटना में ही हुआ, हमेशा से पटना में ही रहा हूँ, लेकिन मेरे मम्मी सॉरी मेरे पापा का पैतृक गांव लखीसराय था, तो वहाँ मेरा दादी घर है। तो आपके परिवार में भी कोई है, मम्मी पापा? नहीं, फिलहाल तो परिवार में बस मैं ही हूँ, एक अकेला। अच्छा, और आपकी पत्नी है? हाँ, बस ये मत कहिए अकेला है ना, आपकी पत्नी है। हाँ बिल्कुल, यही परिवार है जो आपके सामने है। अंजलि, तो ये बताइए, आजकल की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहिए, जो लड़कों को पैसा बस उड़ाती है, शादी वादी करती नहीं है, धोखा देती है, चली जाती है? ये बहुत गलत बात है, ये ऐसा तो आजकल के जनरेशन के मतलब फिट ही नहीं बैठते हैं हम लोग तो। आपको बिलीव नहीं होगा कि अभी फिलहाल कहीं पे भी, या स्कूल कॉलेज या कहीं जिम वगैरह कहीं पे भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। अच्छा, पता नहीं क्यों लेकिन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग एक साथ मार्केट वगैरह में निकलते हैं? हाँ। तो लोगों का क्या रिएक्ट रहता है आप लोगों का? अब तो पटना के जितना मतलब 95% लोग हम लोग को जानते ही है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो पता रहता है कि अच्छा मतलब ऐसा। तो अभी तक आप लोग मीडिया के नजरों से कैसे बचे रहे? क्या नहीं, अब तो नहीं बचे, अब तो आप आ गए। हाँ, तो बहुत कोशिशों के बाद ना पहुंचे। हाँ, इतना तब इतना पहले था नहीं ना, मतलब YouTube वगैरह इतना मतलब शुरू से इतना 10 साल पहले, या अब जाके बहुत ज़्यादा ये सब रहा, मतलब मीडिया वीडिया विद इंटरनेट सब। इससे नहीं जुड़ना था शुरू से, अभी जाके नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है, मतलब अगर पहले भी आप आते तो आप यही स्टोरी सुन रहे होते। तो आप लोग किराए पर रहते हैं? जी बिल्कुल, पटना में रह के अपना जॉब करते हैं। तो आप अपने घर पर जाती हैं मायके? हाँ। इनको लेके जाती हैं? हाँ। तो घर वाले पिटाई उठाई नहीं की? नहीं नहीं नहीं, अब हाँ बहुत मानते हैं मम्मी पापा जितने भी हैं, सब बहुत मानते हैं। सब पहले का जो गुस्सा था खत्म? सब खत्म। अब तो मजाक उड़ाते हैं हम लोग पहले का बात पे लेके कि यहाँ ऐसे होता हुआ था, ऐसे हुआ था, तो बहुत मतलब। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि इनको कभी कभी ज्यादा दिक्कत होता होगा कहीं गए, या फिर मान लीजिए इस स्थिति में मार्केट वगैरह में? नहीं नहीं नहीं, सारा काम तो कर ही लेते हैं, अब क्या दिक्कत रहेगा, सारा मार्केट से कुछ लाना होता सब 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 करते हैं, क्या नहीं कर सकते। डांस नहीं कर सकते, खड़ा होकर, उसके अलावा आपकी वाइफ करती है? हाँ वो करती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गाना वगैरह गाती है? नहीं, गाना वगैरह नहीं गाती है। चलिए, देखिए मेरा कहने का मतलब है कि समाज में अगर इस तरीके की चीज़ें हों तो उसको दिखाना जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल का जो प्यार मोहब्बत है वो ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, एक दूसरे को दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद से दोनों लोग एक दूसरे से ब्रेकअप करके और रोना रोना शुरू कर देते हैं कि वो हमको छोड़ दिया और ये हमको छोड़ दिया, यही समाज में आजकल के चल रहा है। लेकिन आप लोग जो जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि हीर रांझे की प्रेम कहानी, लैला मजनू की प्रेम कहानी, तो आप लोगों ने केवल सुनी थी,
देखी नहीं थी? आप लोग कहानियों में पढ़ते थे या फिर आपके जो सीनियर थे वो लोग सुनाते थे कि ऐसा प्रेम कहानी हुआ था कभी, लेकिन ये जो प्रेम कहानी है उससे भी अलग है, क्योंकि लगभग 10-11 साल हो गए और 10-11 साल से इस प्रेम कहानी में थोड़ा सा भी डिफरेंट देखने को नहीं मिला, जबकि ये प्रेम कहानी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये प्रेमी जोड़ा जो है कि पटना में ही लव किया, उसके बाद शादी की और बहुत ही खूबसूरत इनका एक बेटा भी है। बाकी ये लोग बेटे को पढ़ा करके नौकरी दिलाने का प्रयास करें कि बेटे को भी नौकरी दिलाया जाए और उसके बाद से खुशी खुशी अपना ये लोग घर बसा लिए। बाकी आप लोग जो है कि इनके प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।